आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने चैनल किंग भाई ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड एक लकटकिया फुटबॉल कमाल और धमाल का लकटकिया फुटबॉल फिक्स्चर पहुंच चुका है और गाइस मेगा फुटबॉल धमाका 2024 31 इयर्स। और गाइस इसमें अगर धमाका की बात किया जाए तो धमाका 5,90,000 और गाइस इसमें अगर स्थान की बात किया जाए तो 8 अस्तिया पोस्ट बानीसोल और पीएस नया ग्राम और डिस्ट झारग्राम वेस्ट बंगाल और गाइस ऑर्गेनाइज बाय अस्तिया पंडित रघुनाथ मुर्मू मेमोरियल क्लब। और गाइस इसमें अगर दिनांक की बात किया जाए तो गाइस दिनांक रहेगा 1/2/2024 एंड 2/2/2024 और गाइस इसमें अगर दिन की बात किया जाए तो थर्सडे एंड फ्राइडे। और गाइस चलिए इसमें अगर जो जो टीम नामांकन किए हैं उसका मैं एक बार नाम बता देता हूं। और गाइस ग्रुप ए के मुकाबले की अगर बात किया जाए तो गाइस दिनांक रहेगा 1/2/2024 ग्रुप ए का पहला मैच झारग्राम पीएस बनाम बाजितपुर एमडब्ल्यूएस बांकुड़ा। और गाइस मैच नंबर 2 की अगर बात किया जाए तो लायन एफसी सालबनी बनाम बबीता टेलीकॉम एंड सिद्धम 11। और गाइस मैच नंबर 3 की अगर बात किया जाए मांडिस्टा उड़ीसा बनाम बाजीगर एफसी झारग्राम। और गाइस मैच नंबर 4 यानी ग्रुप ए का अंतिम मैच जे स्टार घटल बनाम जॉय बोडोमा एफसी नाई हाथी। और गाइस चलिए ग्रुप बी का मैच दिनांक की अगर बात किया जाए 2/2/2024 सुबह इंटरप्राइजेज गुरु बाबा हल्दिया बनाम नादू भाई एफसी। और गाइस मैच नंबर 2 की अगर बात किया जाए मायर आशीर्वाद प्रेम बनाम नरेश स्पोर्टिंग। और गाइस मैच नंबर 3 की अगर बात किया जाए बुबा 11 अमगाछिया बनाम पीआरएम मेमोरियल क्लब सबांग। और गाइस मैच नंबर अंतिम की अगर बात किया जाए एसबी 11 मेदिनीपुर बनाम शांति निकेतन एकेडमी बीरभूम। और गाइस चलिए इसमें अगर दलों की संख्या की बात किया जाए तो गाइस दलों की संख्या रहेगा मात्र 16। और गाइस इसमें अगर एंट्री फी की अगर बात किया जाए तो एंट्री फी के तौर पे देने पड़ेंगे आपको 25,000। और गाइस फाइनल 2 तारीख को खेला जाएगा शाम 4 बजे। और गाइस इसमें अगर पुरस्कार की बात किया जाए तो फर्स्ट प्राइज के तौर पे दिए जाएंगे 2,50,000 प्लस ट्रॉफी। और गाइस सेकंड प्राइज के रूप में दिए जाएंगे 2,00,000 प्लस ट्रॉफी। और गाइस थर्ड फोर्थ 70,000 करके दिया जाएगा प्लस ट्रॉफी। तो चलिए गाइस जानकारी अच्छा लगे तो लाइक से कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। बाकी सब डिटेल नंबर दिया हुआ पिक्चर में आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।